अप्लाइड मैकेनिक्स सेकेंड सेमेस्टर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन करूंगा। बाकी कुछ लेसन पीछे के हैं ऐसे जिसमें मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, फिलहाल जहां तक पढ़ा दिया वहां तक रहने देते हैं, बाकी वो बाद में वीडियो बनेगी तो अपलोड हो जाएगी। आज की जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या चीज है। ग्रेविटी के बारे में जैसा कि आप सभी को पता होगा ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्व केंद्र क्या चीज होता है आपको पता भी होगा, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, लेकिन यहाँ हम बल का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम वहाँ केंद्र की बात करेंगे यानी वह बिंदु याद करेंगे, यानी कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है किसी भी बॉडी का जहां पर उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है। यानी कि हमने गुरुत्व केंद्र के बारे में क्या बताया, गुरुत्व केंद्र के बारे में ये जानिए कि अगर आप गुरुत्व केंद्र के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो गुरुत्व केंद्र में जैसे अगर कोई भी बॉडी है उस बॉडी का वह केंद्र जहां पर उस बॉडी का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है उसी बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। चलिए आते हैं सेंटर ऑफ जी के बारे में। तो हमने पहले डिफिनेशन यही बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक आपको डिफिनेशन पूछी जाती है और एक न्यूमेरिकल हर साल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या चीज है। हमने बताया ग्रेविटी के बारे में यही जान लीजिए कि केंद्र कह रहा कि मैंने कि कोई भी अगर कोई बॉडी है, एग्जांपल के तौर पर जैसे मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर की इस बॉडी का यानी इसका जो समस्त इस बॉडी का इस मार्कर जो बनावट जैसी भी हो उसका कोई ऐसा एक केंद्र होगा जहां पर उस मार्कर का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है। यानी कि जहां पर उस बिंदु को कार्य करता हुआ माना जाता है, अगर इस बिंदु से किसी रस्सी को ऐसे बांध करके वर्टिकल कंडीशन में अगर हम पकड़ लें तो ये मार्कर एक बैलेंसिंग पोजीशन पर आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, तो वही बिंदु कहलाता है गुरुत्व केंद्र। लेकिन याद रख लीजिएगा हमने बताया गुरुत्व केंद्र अगर कोई बॉडी होगा तो इस बॉडी का कोई ना कोई एक ऐसा केंद्र होगा जहां पर ये आपका सेंटर ऑफ जी आपका होगा। यानी वो केंद्र क्या होता है, ये जो पूरी बॉडी होता है उस बॉडी का समस्त भार उसी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है। अगर इसी बिंदु से अगर हम एक रस्सी बांध करके या डोरी बांध कर अगर इसे लटकाते हैं तो ये जो बॉडी होगी वो संतुलन की अवस्था में होगा। तो ये तो रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। आओ आगे चलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो याद रखिएगा ये जो बॉडी होती है कई कणों से मिल करके बना होता है, और ऐसा याद रखिएगा ये जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछे जाते लेकिन कंपटीशन टाइप के सवालों में ऐसे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी है कि किसी वस्तु के बीचों बीच में या बीच में या अंदर ही बने, क्या बाहर नहीं बन सकता? तो याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ जी किसी किसी बॉडी में अंदर मिलता है। तो किसी किसी सवालों में या किसी किसी फिगर बॉडी की संरचना स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये जो गुरुत्व केंद्र आपको है बॉडी के बाहर भी मिलने लगता है। तो याद रखिएगा ये कोई जरूरी नहीं कि गुरुत्व केंद्र जो होता है वो किसी भी बॉडी के अंदर मिले, वो बाहर भी आपको मिल सकता है। तो गुरुत्व केंद्र की परिभाषा मैंने क्या बताया, गुरुत्व केंद्र की परिभाषा वही है कि किसी बॉडी का वह केंद्र जहां पर इस बॉडी का यानी कि इस पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाए उसी बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ये 2 से 2.5 नंबर के सवाल आपके ग्रेविटी के कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बाकी इंटरमीडिएट के भी सवालों में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने बताया वही चीजें, आप देखो कोई भी अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कोई भी टॉपिक अप्लाइड मैकेनिक्स से पढ़िए तो फिगर से समझने की कोशिश करिए, रट करके काम मत चलाइए, आज रटेंगे कल भूल जाएगा। कि अब आपकी जो प्रिपरेशन करनी जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ के पास होने वाली नहीं करनी, आपको आगे चल के आपको जॉब करनी है, गवर्नमेंट सर्विस पानी है तो उसके लिए आपको फिर से जेई की प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, फिर वही चीजें घुमा फिरा के पढ़ाई जाएंगे। तो आप पहले से इस स्टैंडर्ड को अपने मेंटेन कर रखिए ताकि आपको मिनिमम 6 मंथ का प्रिपरेशन के बाद ही आपको कोई ना कोई एक सिलेक्शन एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए। तो हमने बताया कि सेंटर ऑफ जी यानी कि गुरुत्व केंद्र होता क्या चीज है, गुरुत्व केंद्र किसी भी बॉडी का वह केंद्र होता है जहां पर उसका समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है। तो
तो ये तो डिफिनेशन हो गई। अब इसके बाद हमने ये पूछा आपसे या किसी और से, आप ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि जो गुरुत्व केंद्र होता है क्या किसी भी बॉडी में जरूरी है कि वो बीच में यानी अंदर ही मिले, क्या गुरुत्व केंद्र आपका बाहर नहीं हो सकता है? तो हाँ ये सही है कि किसी किसी स्ट्रक्चर ऐसी पिंड की होती है जिनमें उनका गुरुत्व केंद्र जो होता है वो वस्तु के यानी कि पिंड के कहाँ मिलता है? बाहर। कुछ ऐसे सवाल भी आपको लगवाए जाएंगे जिसमें आपको अंदर मिले, कुछ ऐसे सवाल आपको हम लगा करके दिखाएंगे कि आपको ये बाहर मिले। अब गुरुत्व केंद्र निकाला कैसे जाता है? तो गुरुत्व केंद्र निकालने का एक अलग फॉर्मूला है, वो आगे के लेक्चर में समझा जाएगा। फिलहाल आज की जो टॉपिक है केवल इसके डिफिनेशन के बारे में समझिए और आपके कौन कौन से ऐसे लेमिनास यानी कि आपके कौन कौन से ऐसे जो स्ट्रक्चर है जिनका गुरुत्व केंद्र आप फौरन निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशन के। तो फिलहाल हमने गुरुत्व केंद्र के बारे में बता दिया, तो एक बार फिर से जान लीजिए गुरुत्व केंद्र क्या होता है, यानी किसी भी बॉडी यानी किसी भी पिंड का वह केंद्र, यानी ये देखिए फिगर, किसी भी बॉडी का वह केंद्र जहां पर उस वस्तु का यानी इस बॉडी का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है, उसी बिंदु को हम गुरुत्व का केंद्र कहते हैं या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब आप जैसे एग्जांपल के तौर पर आप आगे और एक नोट्स बना करके लिख सकते हो कि अगर उस बिंदु से अगर हम एक रस्सी या एक डोरी से बांध करके उसे हॉरिजॉन्टल कंडीशन में पकड़ा जाए तो आप देखेंगे ये जो बॉडी होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक कॉपी है, इस कॉपी का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? तो आप डायरेक्ट बता दोगे बीच में है। चलो ठीक है, मान लिया बीचों बीच में है। तो अगर बाय द वे हमारी थोड़ी सी भी उंगली की डायरेक्शन बदलेगी, अगर इसको हम खड़ा करना चाहें तो ये खड़ा हमारी उंगली पर नहीं होगा, लेकिन अगर ये बीचों बीच में होगा तो ये देखिए आपकी जो पिंड आपकी जो कॉपी है वो आप इस पिंड नहीं हो, लेकिन एक माना जा रहा है कि यहाँ पर होगा। आपने देखा होगा जब किसी वस्तु को अगर हम नचा रहे हैं, हमने नचाया तो ये नाच रहा है, इसकी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी उंगली होगी वो उसके केंद्र पर ही होगी, यानी जहां पर उसका कॉपी का सारा भार कार्य कर रहा होगा वहीं को होगा। अगर हम चाहें कि हम अपनी उंगली को यहाँ पर रख करके इसे घुमा सके तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी जब आपकी उंगली मिड पॉइंट पर उसके केंद्र पर सेंटर ऑफ जी पर आएगी तभी वे वस्तु आपका क्या होगा। समझाने का इसमें ये मतलब था यानी कि नाच रहा है यानी कि जो रोटेशन कर रहा है वो रोटेशन इसी वजह से कर रहा है क्योंकि वो जो आपका जो इस वस्तु का गुरुत्व केंद्र होगा जहां पर जिस बिंदु पर होगा वो उंगली हमारे वहीं पर आ रही होगी, तो यही गुरुत्व केंद्र होता है। अब गुरुत्व केंद्र के बाद आप याद रखिएगा गुरुत्व केंद्र किसी भी बॉडी यानी बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लंबाई भी हो आपकी चौड़ाई भी हो और इसमें क्या हो ऊंचाई भी हो, यानी कि गुरुत्व केंद्र के लिए यानी बॉडी की ही बात करें तो किसी भी बॉडी यानी जाहिर सी बात है कोई भी अगर आप एक मार्कर ले रहे हैं इसमें लंबाई चौड़ाई आपकी ऊंचाई लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों होगी। अब देखो ये तो रहा गुरुत्व केंद्र, एक आपके आपके एग्जाम में एक और डेफिनेशन पूछी जाती है और इस डेफिनेशन को अगला जो टॉपिक आपका आता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? परिकेंद्र। अब अगर हम परिकेंद्र के बारे में बात कर ले तो परिकेंद्र क्या है? अब जरा देखो परिकेंद्र क्या होता है, यानी कि परिकेंद्र आपकी वह पटल जिसे हम पटल, आप देखो परिकेंद्र की अगर बात करेगा तो परिकेंद्र में याद रखिएगा जब भी बात की जाएगी तो किसी लैमिना को लेकर के बात किया जाएगा, या तो लैमिना को लेकर के बात किया जाएगा या तो कोई डिस्क हो या इसकी बात किया जाएगा या तो कोई आपके पास प्लेन हो जिसे हम लोग समतल बोलते हैं इसकी बात करेगा। लेकिन याद रखिएगा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता है तो वो जब भी बात करेगा तो यह आपका जब भी बात किया जाएगा एक बॉडी को लेकर के आपकी बात किया जाएगा, यानी कि आपके एक पिंड की बात किया जाएगा। लेकिन जब सेंट्रॉइड पूछेगा परिकेंद्र पूछेगा तो परिकेंद्र के लिए या तो हमको पटल चाहिए जिसे हम लोग लैमिना कहते हैं या तो डिस्क चाहिए। डिस्क आपको पता डिस्क से कैसा होता है कि जो गोला होता है इसे डिस्क बोला जाता है। प्लेन का मतलब होता है आपका समतल या इसे हम लोग बोलते हैं तल भी कह सकते हैं। समतल मतलब जिसमें आपकी लंबाई पाई जाए और जिसमें क्या पाया जाए चौड़ाई पाया जाए लेंथ और ब्रेथ। कहने का मतलब ये है यानी अगर आपका पास एक आयत है तो ये भी आपका प्लेन हो जाएगा, एक आपका ट्रायंगल है ये भी आपका प्लेन हो जाएगा, इसी तरह से आपके पास अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपका किस में जाएगा प्लेन में हो जाएगा। तो यानी इन सब चीजों का अगर परिकेंद्र ज्ञात करना हो और जितने भी आपके आपके फिगर बनते चले जाए यानी जिसमें ब्रेथ और हाइट, कोई जरूरी नहीं कि आपका रेक्टेंगुलर हो ट्रायंगुलर हो आपका स्क्वायर हो उसके बाद सर्किल हो, तो सर्किल का जो होता है उसी में इसको हम डिस्क बोलते हैं। अब लैमिना
बिना आप पटल की अगर हम बात करें तो पटल कोई स्पेसिफाई आपका कोई फिगर नहीं है, यानी हम किसी को भी ले सकते हैं। यानी अगर बाय द वे अगर हमारा शेप इस तरह से मिल जाए तो आप बताइए उसका सेंटर ऑफ जी यहां क्या है, इसका सेंट्रोइड कहां होगा। तो यहां पर मोस्टली ये पूछा जाता है इसका सेंट्रोइड कहां पर है, केंद्र क्यों, क्योंकि इसमें आपको लेंथ मिलेगा या तो ब्रेथ मिलेगा, यानी इसमें उसकी क्या मिलती, मोटाई नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये आपका होता है जैसे अगर दांत के पास कोई वस्तु इस तरह की रखी गई है, अगर हमने इसमें हाइट को ऐसे जोड़ते चले गए तो ये आपकी एक बॉडी कहला सकती है, यानी कि आपका ये पूरा एक वस्तु एक पिंड है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो ऐसे वस्तुओं में जब भी पूछा जाता है तो मोस्टली आपसे कहेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मान बताइए, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहां पर होगा। तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर इस पूरा क्यूब या क्यूबॉइड का यानी घन या घनाभ का जहां पर पूरा भार कार्य करता हुआ माना जाए वो बिंदु ज्ञात करिए। लेकिन अगर इस तरह से आपका कोई शेप पूछ दिया जाए, अगर हम बात करें ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें जब भी पूछा जाएगा तो ग्रेविटी की बात नहीं करेगा, इसमें जब भी बात करेगा तो सेंट्रोइड की बात करेगा, परिकेंद्र की बात करेगा कि ये बताइए कि परिकेंद्र कहां है उसका। क्यों, क्योंकि इसमें देखो आपका इस वस्तु में अगर देखा जाए तो लंबाई है और हम कह दें इसकी हाइट है, यहां पे कोई इसकी चौड़ाई नहीं, कोई मोटा नहीं है, यानी इसमें कोई आपको मास द्रव्यमान नहीं मिलेंगे। तो इस वाले में क्या कहेंगे, जैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिफिनेशन पिछले में बताया कि वह वस्तु यानी कि वह वस्तु जहां पर उस यानी कि वह केंद्र जहां पर उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता हुआ हो माना जाए उसी को हम लोग सेंटर ऑफ। तो यहां पर बात हो रही थी तो भार की बात हो रही थी, लेकिन जब लेमिना की आप डिफिनेशन अगर एग्जाम में लिखोगे तो कहोगे वह बिंदु जहां पर उस वस्तु का यानी ये कह दो या उस पटल का, यहां पर वस्तु ना कहके आप या तो पटल लिखोगे या डिस्क लिखोगे या प्लेन लिखोगे, यानी कि वह पटल या डिस्क या समतल जहां पर उस वस्तु का क्षेत्रफल जिस बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाए उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। एक बार फिर से देख लीजिए परिकेंद्र की डिफिनेशन क्या होगी, यानी जब परिकेंद्र की बात करेगा तो परिकेंद्र में भार नहीं कहेगा कि यहां पर जहां पे भार कार्य करता हुआ माना जाए वही आपका गुरुत्व केंद्र है। ये जब भार की बात आएगी तो आपको लंबाई भी मिलेगा, चौड़ाई भी मिलेगा, ऊंचाई भी मिलेगा, लेकिन जब सेंट्रोइड की बात होगी, परिकेंद्र की बात होगी, तो परिकेंद्र में याद रखे रहिएगा परिकेंद्र में आपकी केवल प्लेन जो भी प्लेट आता होगा, जैसे एक हम इस कागज की बात करें तो इसका आपका परिकेंद्र होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। लेकिन अगर इस कॉपी की अगर हम बात करें तो इस कॉपी में आपका क्या होगा, ग्रेविटी पूछा जाएगा। तो आप परिकेंद्र यानी इसमें इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इसका कोई ना कोई एक भार आपका होगा, लेकिन इसमें जब बात किया जाएगा तो इसमें यह कहा जाएगा कि ये बताइए इस जो आपका शेप है, मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका जो एरिया होगा क्षेत्रफल जिस बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाएगा उसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे परिकेंद्र। तो ये रहा आपकी डिफिनेशन दोनों में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में क्या अंतर है। कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि ये बताइए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब भी बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जब भी कहेगा तो भार जिस बिंदु पर काम करता हुआ माना जाए उसी बिंदु को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। लेकिन जब सेंट्रोइड की बात करेगा तो सेंट्रोइड में हमेशा याद रखे रहिएगा यहां भार का डिस्कशन नहीं होता है, यहां एरिया की बात होगी। क्यों एरिया, क्योंकि ये जितने भी आपको लेमिनार डिस्क और प्लेन मिलेंगे उसमें लेंथ और ब्रेथ मिलेगी, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई अगर होती तो उसका एरिया पता करते, तो यानी कि वस्तु यानी कि उस वस्तु का क्षेत्रफल, यानी आप वस्तु की जगह पर आप बेहतर ये होता है कि आप लेमिना लिखे, डिस्क लिखे या प्लेन लिखे, यानी कि वह लेमिना या वह पटल जहां पर उसका क्षेत्रफल जिस बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाए उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। रही बात आपके कंटेंट पाने की, तो हमने तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लास में कंटेंट आपके पहले ही बांट दिया है, लेकिन जिनको नहीं मिल पाया डिस्क्रिप्शन में मेरा आपका नंबर होगा, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर ऐड होगा, उस नंबर पर आप अपने कॉलेज जिस कॉलेज में आप जहां भी पढ़ते हैं वहां उस कॉलेज का नाम और अपना नाम और ब्रांच लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम है, दोनों आपके मीडियम से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में आपके अंतर हो गए।
अब जरा चलते हैं, कुछ ऐसे आपके लैमिनार्स हैं, यानी कुछ ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी हैं, सॉलिड बॉडी हैं, यानी कि अब उनके आपके सेंटर ऑफ जो डायरेक्ट आपको रिमेंबर याद करने हैं, यानी कि उनका डेरिवेशन आपको नहीं समझना, क्योंकि आपका जो डेरिवेशन आपको आगे मिलेंगे वो आपके आपको अगले ईयर में मिलेंगे, यानी यूं कह लें आपको सेकंड ईयर में आपको इन सभी के आपको जो भी आपके लैमिनार्स पटल जितने भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे अगर हम कहें आपके पास बाई दिवे एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन हो, अब आप बताइए इस रेक्टेंगुलर प्लेट का आपका सेंटर ऑफ जी कहां होगा। तो अगर हम बोले कि आपका ये ब्रेथ मान लीजिए और इसे आप हाइट मान लीजिए, तो आप बताइए इसका गुरुत्व केंद्र जी कहां पर होगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस आपकी होगी ये अगर बी है तो यहां से यहां तक कितनी दूरी पर होगा, बी बाई टू। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि इसका बीचों बीच वही होगा, इसका आधा और इस एच का यहां से कितनी दूरी पर होगा, एच बाई टू पर। यानी इसका जो सेंटर ऑफ जी होगा, यानी इसका जो सेंटर ऑफ जी होगा, आप कह सकते हो कि ये बी बाई टू होगा, कॉमा क्या होगा, एच बाई टू वाले पर होगा। तो ये तो आपने डायरेक्ट निकाला, पर वो आता कहां से है, इनका डेरिवेशन भी आपको इस सेमेस्टर में नहीं, आपको अगले ईयर, आपको अगले सेमेस्टर में आपको इनका डेरिवेशन भी जानना होगा, क्योंकि फिलहाल इस सेमेस्टर में डेरिवेशन नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको केवल डायरेक्ट बता रहा हूं कि आपको इस तरह से याद रख लेना है। जैसे अब जैसे आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेन दे दिया और ये बी और एच दे दिया और आपसे कहा कि इसका सेंटर ऑफ गुरुत्व केंद्र ज्ञात करिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपने कहा कि आप बी बाई टू और एच बाई टू, तो ये तो फार्मूला आपको याद हो गया। अभी देखिए आपको, अब हम एक एग्जाम्पल अगर इस पर लेते हैं तो आप फौरन बिना आपको कैलकुलेटर, बिना आपको मोबाइल उठाए, आप बिना पेन कॉपी के आप आंसर को फौरन बता सकते हैं। अगर हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेन इस तरह का बना दिया और हमने डायमेंशन लिख दिया, ये बताइए कि ये आपका यहां से यहां तक आर डायमेंशन 50 mm है और हमने ये कह दिया 60 mm है, तो मैं अगर पूछूं तो आप बताओगे सेंटर ऑफ जी कहां पर होगा। तो आप जानते हो कि ये 50 है तो 50 का आधा आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 60 है तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 25, 30। 25, 30 का मतलब ये होता है कि ये आपकी होती है y एक्सिस और ये आपका होता है x एक्सिस। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से ये जो दूरी होगी वो x की डिस्टेंस, क्योंकि x पर चला जा रहा है तो ये x वाली दूरी होगी, तो 50 का आधा कितना हो गया, 25। अब ये देखो वर्टिकल में आपका y होता है तो वर्टिकल में आप बढ़ रहे हो, तो 60 का आधा कितना हो गया, 30। यानी आप लिख सकते हो आपका 25, 30। तो ये देखो आपका पहला आंसर बन गया। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन थोड़े से आपके नॉर्मली देखो सीखने के लिए आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर चलना पड़ेगा। आप एग्जाम में इससे भी इजी, आप देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह से फिगर बना दिया होगा, आपको दो आयत दे दिया होगा, एक आयत यहाँ एक आयत नीचे, इसी तरह से कहीं कहीं तीन आयत रख देता है, तो इस तरह का शेप दे देगा और कहेगा सेंटर ऑफ जी का मान बताइए। तो बस आप चलते रहिए, अभी हम आपको एक एक का लेकर के चल रहे हैं कि इसको कैसे समझाया जाएगा, आगे फिर आपको बताया जाएगा जब एक में एक जुड़ जाएंगे तब इन्हें कैसे निकाला जाएगा। और कभी कभी एक तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि उसी में से अगर इसको काट दिया जाए बीच से तब बताइए तब कहां पर होगा। बस यही तीन टॉपिक आपके होते हैं, उसके बाद ये लेसन ही पूरा खत्म हो जाता है। इस लेसन में एक डेरिवेशन आपको याद करना है, डेरिवेशन बताया जाएगा, इन डेरिवेशन में आपको समझाया जाएगा कि जब दो आयत एक साथ जुड़े हों या कोई भी चीज एक साथ जुड़ी हो तब उनको किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फाइंड किए जाते हैं। अलग अलग होता है तो आपके लिए तो इजी होता है, लेकिन अगर आपका बाई दिवे एक ही में जुड़ जाए तो उनको मोमेंट मेथड से एक फार्मूला, एक डेरिवेशन है जो आपको अगले लेक्चर में से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल यहां तक किसी को अगर समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, अगला लेक्चर में फिर से उसको समझा दिया जाएगा। जैसे ही हमारे मोबाइल में, यानी जितने जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो ये सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी और आप कमेंट बॉक्स में ऑनलाइन ही अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो फिलहाल इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए और जितने भी आपको कंटेंट अगर कोई भी आल ब्रांच की कोई भी चाहिए तो मेरे आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस नंबर में कमेंट करके आप हमसे जो भी प्रॉब्लम होगी जिस तरह की होगी हम आपकी मदद करेंगे। बस आप हमको ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो या तो आप मैसेज कर दीजिए, या अगर मैसेज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बाय कॉल भी हमारी तरह से सेवाएं ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए थैंक यू, ओके, गुड बाय। बाकी आपको पता ही होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।